गुज़िश्ता दिनों इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सीडी देशमुख ऑडिटोरियम में एक खूबसूरत मौसीकी की महफिल सजाई गई, जिसका उन्वान रहा साज और आवाज। इस महफिल में पुराने खूबसूरत फिल्मी नगमों के साथ गुलुकारा चारू कपूर ने अपनी मखमली आवाज में वहां लोगों को खूब लुत्फानंदोज कराया। इसमें कोई शक नहीं, जब इस तरह की फिल्मी नगमों की महफिल सजती है तो लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। यही नज़ारा इस महफिल में भी देखने को मिला। लोगों ने गुलुकारा की खूब तारीफ की और जमकर इस महफिल का लुत्फ उठाया। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर हो बुझे के जले हम अपनी राह चले यार, तुम्हारी राह चले। कहो बुझे
तहजीब का कदीम जमाने से एक अहम हिस्सा रहा है। पहले छोटे छोटे गांवों में मेले लगाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त ने करवट ली और पूरी दुनिया में बदलाव आए, उसी तरह आज के मेलों की अगर बात की जाए तो आज का मेला एक इस तरह का बाजार बन चुका है जिसमें पूरी दुनिया की चीजों को एक जगह खरीदा जा सकता है। इसी रिवायत को फरोग देने के लिए 34वें आलमी सकाफती सूरज कुंड मेले का इनेकाद किया गया। 1 फरवरी से 16 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हर तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। लाखों की तादाद में लोग इस मेले को देखने पहुंचते हैं और अपनी मनपसंद खरीदारी करते हैं। मेले की खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, एक तो सिक्योरिटी पर बस बहुत अच्छा है, पार्किंग अच्छी बना रखी है, और दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं उन्होंने क्या है कि एक सिस्टम बना रखा है, सिस्टम है जिसे, और देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, लोगों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि हिमाचल के कल्चर के बारे में है, हिमाचल के लोगों के बारे में है, और हिमाचल की संस्कृति के बारे में इतना प्यारा डिस्क्राइब कर रखा है कि हमें देखने में इतना प्यारा लग रहा है कि दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, एक साथ एकता बनाए हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। इस मेले की खूबसूरती बहुत ही उम्दा है और इसके अंदर सारे मजाहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिलकर इस मेले को इन्जॉय कर रहे हैं और मना रहे हैं। और मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, इस मेले का और आइए और इसके अंदर आकर आप नज़ारा कीजिए। हर तरह के लोग, हर तरह की जगह का मुनाज़रा किया गया है इस मेले के अंदर, जैसे कि हिमाचल टूरिस्ट हैं और असम के हैं और चंडीगढ़ के हैं, हरियाणा के हैं, जगह जगह से लोग आए हुए हैं और सारे अपने तरीके से अपने इस मेले की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आखिरी में ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी इसमें सूरज कुंड के मेले में आइए और इसके व्यवहार को, इसके सुंदरता को देखकर और अपने सूरज कुंड का ये मेला कलात्मकता, संस्कृति, शिल्प और भारत की विभिन्नता में एकता का जीता जागता उदाहरण ही नहीं है, बल्कि एक प्रकाश देने वाले सूरज की तरह है। सूरज कुंड में लाखों लोगों को ये प्रेरित कर रहा है जो यहाँ आते हैं, लेकिन और भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। हमारी जो कला है, हमारा जो शिल्प है, उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना ही कम है, क्योंकि भारतीय कला, भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर का और दुनिया में कहीं मुकाबला नहीं है। हम सब मिलकर इसको जितना उन्नत बनाएंगे, भारत भी उतना उन्नत होगा। जिस तरह ऐसा लगता है कि पूरा भारत यहाँ एकत्रित हुआ है और भारत के अलग अलग रंग
मिलकर एक भारत का रंग बना रहे हैं, उसी तरह भारत का समाज रहे आपस में मिलजुल कर, आपस में भाईचारे के साथ, तो ये भारत का जो डीएनए है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का अध्यात्म है, वो सारी दुनिया में संदेश दे सकता है। इस मेले में आने वाले लोगों की आसानी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अगर खानों की बात की जाए तो बहुत से मुख्तलिफ तहजीब के खाने भी इस मेले में देखने को मिले, जिसका लोगों ने खूब जायका लिया। हम दिल्ली मयूर विहार से आए हैं, हम हर साल यहाँ पर आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ का हैंडीक्राफ्ट देखना, कल्चरल प्रोग्राम्स है और ये चाय तंदूरी ये भी बहुत अच्छी है और हम लोग सब बहुत इंजॉय करते हैं। खाने पीने अलग अलग स्टेट्स का सारा हैंडीक्राफ्ट आप एक साथ देख लेते हैं और फोक म्यूजिक सर कठपुतली डांस ये सब बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है मैं इतने साल से क्यों नहीं आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैंने प्लान किया कि मैं हर साल ज़रूर आऊँ। यहाँ पर खास तौर पर एक चौपाल बनाई गई, जिसमें पूरे दिन सकाफती प्रोग्राम चलते रहे। सकाफती सूरज कुंड मेले का थीम हिमाचल प्रदेश रहा। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हम किसी भी काम को शिद्दत से करना चाहें तो यकीनन कामयाबी हमें मिलकर रहती है। दुनिया में ऐसी बेशुमार मिसालें देखी जा सकती हैं, जिन्होंने मेहनत और लगन से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया है। अगर हम अपने मुल्क की ही बात करें
तो हमारा मुल्क भी इसके लिए एक बड़ी मिसाल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटे परिवार और छोटी जगह पैदा होने के बावजूद जिंदगी में बड़ी जद्दोजहद के बाद एक बड़ा मकाम हासिल किया है और अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल की जिसकी उन्हें तमन्ना रही है। शफीकुल हसन उन्हीं नौजवानों में से एक हैं जिन्होंने समाज में इसी तरह अपना बड़ा मकाम बनाया। आज के दौर में जब इंसान के पास वक्त की बहुत कमी है तो शफीक साहब ने एक मॉर्निंग न्यूज क्लिपिंग्स सर्विस शुरू करके लोगों को आसानी से खबरों से बाखबर कर दिया। पूरी दुनिया में लोग शफीक साहब की इस सर्विस से मुस्तफिद होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के इस दौर में शफीकुल हसन जैसे लोग अपने आप में एक मिसाल हैं, जो बिना किसी लालच के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आइए मुलाकात करते हैं शफीकुल हसन साहब से, जो कि एक कंपनी के सीईओ हैं। और उससे भी बड़ी बात कि वो सहाफ़त से मोहब्बत रखते हैं। सहाफ़त की दुनिया में उन्होंने बहुत अहम काम किया है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। शफीक साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक साहब, जैसा कि हमने सुना है कि तकरीबन 950 दिन हो चुके हैं आपको ये काम खिदमत खल्क करते हुए, जिसमें आप तकरीबन रोज़ 40 से 50 क्लिपिंग्स व्हाट्सएप के ज़रिए 2500 से 3000, या यूं कहूं कि लगभग पूरी दुनिया में ये आपकी भेजी हुई खबर लोग पढ़ते हैं और सच से बेदार होते हैं। ये बहुत अच्छा काम है और मैं कहूं कि ये काम लोगों तक पहुंचता है और वो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन सफ़र को कैसे शुरू किया आपने और ये सफ़र कहां से शुरू हुआ, हम जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के वो लम्हात जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ताल्लुक यूपी के डिस्ट्रिक्ट कासगंज के छोटे से कस्बे गंडनवाला से है। मैं जब 1985 में 10th कर रहा था यूपी बोर्ड से, तभी मुझे अखबारात से प्यार हो गया और वो शौक़ पैदा हो गया और मैं जल्दी ही आगरा से निकलने वाले हिंदी के अखबारात के लिए लिखने लगा और नेशनल इशूज़, लोकल इशूज़, इंटरनेशनल इशूज़, सारे इशूज़ पर लिखने लगा। ये लिखते लिखते अगले साल तक, जब मैं 11th में आया, उस वक्त तक घर के हालात, मुआशी हालात ख़राब हो गए थे और वालिद साहब के पास फीस का इंतज़ाम भी नहीं था, कर्ज़ा हो चुका था और हालात ठीक नहीं थे। मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा और इसी के साथ मैंने 11वीं की पढ़ाई छोड़कर और दिल्ली का रुख किया और यहाँ आके अखबार नो मैंने ज्वाइन किया। वहाँ एक साल मैंने सहाफ़त की, कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए, कई रिपोर्ट्स की, लेकिन मुझे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि सिर्फ मेरा नाम अखबार में छपने से, मेरी रिपोर्ट्स छपने से, मेरी तस्वीर छपने से मेरे जो मसाइल हैं घर के, या जिस मकसद से मैं दिल्ली आया हूँ, वो हल होने वाले नहीं है। और इसी थॉट के साथ मैंने ये अपनी एक बिज़नेस के बारे में सोचा और एक एड एजेंसी अपनी कायम कर ली और साथ ही इसके साथ ही मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग का काम से वाबस्ता हो गया। इस काम में 30 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं लगा। 30 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है। इस बीच अल्लाह ने, ऊपर वाले ने बहुत कुछ नवाज़ा, लोगों का प्यार और सब कुछ नवाज़ा, और ये एहसास भी हुआ कि अब मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है। खिदमत का जज्बा था जहन में बहुत पहले से। इसी बीच मैंने सुबह के अखबारात पढ़ रहा था तो इंडियन एक्सप्रेस में मैंने एक खबर देखी, उस खबर को मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए और मैंने उस खबर को 100 लोगों को भेजा और लोगों का रिस्पॉन्स आया। उसके बाद वो सिलसिला मैंने जो शुरू किया वो आज भी जारी है। आपकी ज़िंदगी आने वाले नस्लों के लिए एक इंस्पिरेशन है और वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इस वक्त जो दौर है, इस वक्त में प्रिंट मीडिया में, उर्दू के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू के फ़रोग के लिए क्या अहम रोल किया जा सकता है या क्या अहम रोल वो अदा कर रहे हैं? प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है उर्दू के फ़रोग के ताल्लुक से, चूँकि इसकी रसाई घर घर है और ये मास मीडिया है। घर में अखबारात पहुँचते हैं, टीवी घर में है, सोशल मीडिया के लिए स्मार्टफोन हमारे पास है, लेकिन जब तक बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे, तो वो इससे दूर रहेंगे, इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे।
شفیق صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا، جب آپ اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے نکل کر شہر آئے یعنی دہلی آئے، تو آپ کو دہلی میں کیا مطلب جدوجہد کرنی پڑی، کیا کچھ کرنا پڑا، اور آپ کو دہلی اور دہلی کے لوگوں نے کس طریقے سے قبول کیا، اور آپ وہ وقت بتائیں جو آپ نے دہلی میں گزارا ہے؟ 1986 پہ میں دہلی آیا جی، اور صرف 50 روپے لے کے آیا، شروعات میں نے صرف 50 روپے سے کی، لیکن یہ دہلی نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، پرانی دلی سے اپنی میں نے کیریئر کی شروعات کی جی. اور وہ زمانہ تھا جب کمپیوٹر نہیں تھا، اسمارٹ فون نہیں تھا، جب یہ انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ تھا جب بلاک سے پرنٹنگ ہوتی تھی، برومائڈ بنتے تھے اس لائٹ میں، لال کنویں کی کسی ڈارک روم میں وہ جو لائٹ سے برومائڈ بنتے تھے، بلاک سے پرنٹنگ ہوتی تھی، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی 33 سال پہلے، تو وہاں سے میں نے شروعات کی. بہت مشکل دن تھے شروعات، جس طرح کہ ہر کسی کے کیریئر میں شروعاتی دن بہت مشکل ہوتے ہیں، آسانیاں سب کی زندگی میں نہیں ہوتی. ناظرین، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حنا صاحبہ سے، جو شفیق صاحب کی شریک حیات ہیں، اور انہوں نے شفیق صاحب کی زندگی کو اور خوبصورت بنایا ہے. حنا صاحبہ، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام خودی کو کر بلند ایک شخصیت میں. شفیق صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ ورک کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اس وقت سوشل میڈیا پہ اردو کے لیے کیا فروغ دیا جا سکتا ہے، اس کو اردو کو سوشل میڈیا پہ فروغ دینے کے لیے کیا خاص کیا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کا ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے آج کی تاریخ میں. ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، بچے سے لے کے بڑے تک. لیکن اردو کو فروغ ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اردو سکھائیں. میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں اردو سیکھو، چونکہ اردو کو ایز اے لینگویج سیکھو. آپ ایسا نہیں کہ اردو کو آپ روزگار کے لیے سیکھو، ایک کمیونیکیشن کے لیے سیکھیے، ایز اے لینگویج سیکھیے. کیونکہ اردو آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ کی نہ انگریزی اچھی ہوگی، نہ ہندی اچھی ہوگی، نہ آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہوگا، نہ آپ کی رائٹنگ اسکلس اچھی ہوں گی، نہ آپ ایز اے اسپیکر کہیں آپ کو موقع ملتا ہے اسپیچ دینے کا، تو آپ کی اسپیچ بھی ادھوری ہوگی اردو کے بغیر، اردو کے اشعار کے بغیر وہ ادھوری ہوگی. آپ کا تلفظ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کبھی کہیں بھی کسی کمیونیکیشن میں، کنورسیشن میں، کسی محفل میں جب آپ بات کریں گے تو آپ لیٹ ڈاؤن فیل کریں گے اگر آپ کا تلفظ اچھا نہیں ہے. اس لیے اردو بہتر ہونی چاہیے، اس کا تلفظ اچھا ہونا چاہیے. ایز اے لینگویج سب کو اردو سیکھنی چاہیے. جی بالکل، میں بھی آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں، کیونکہ اردو زبان سیکھنے کے بعد آپ کسی بھی زبان میں بات کریں وہ آپ کی بہتر ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے. شفیق صاحب، جیسا کہ آپ نے سفر شروع کیا اپنے گاؤں سے دہلی تک، اور دہلی کے بعد جو آپ نے زندگی کا سفر شروع کیا، اس دوران آپ کی فیملی، آپ کے اپنے لوگوں کا کتنا ساتھ رہا، اور ان کے بعد جو سب سے خاص، آپ کی شریک حیات کا آپ کے اس سفر میں کتنا ساتھ رہا؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اس نے میرا قدم قدم پہ ساتھ دیا جی، اور میرے لیے سازگار حالات بنائے. اس کے بعد میں اپنے والدین کا شکریہ، انہوں نے بہت میرے لیے دعائیں کی، ہمیشہ ان کی دعائیں مجھے ملیں، ان دعاؤں کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس کے بعد جب یہ میری زندگی میں آئی 1998 میں جی، تو ایک زندگی نئے سرے سے شروع ہوئی اور زندگی اور بہتر ہو گئی، خوبصورت ہو گئی جی. انہوں نے قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا، ہر موقع پہ میرا ساتھ دیا، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہیں. اور آج جو یہ میں نیوز کلپنگ سروس کا جو کام کر پا رہا ہوں، شاید اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا، ان کی سپورٹ نہ ہوتی، تو میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا. 958 دن کیا، شاید 50 دن بھی میں پورے نہیں کر پاتا. اگست 2018 میں جب ہم یورپ گئے، ہماری شادی کی 20th اینیورسری تھی جی، تو کئی دوستوں نے کہا کہ اب 2 ہفتے کی چھٹی لے لو، آرام کرو، بہت تھک گئے ہوگے، وہاں پہ کیوں پریشان رہو گے، کام کرو گے صبح اٹھ کے. تو میں نے سوچا، ان سے بھی مشورہ کیا، میں نے ان کا جاری رکھی ہے اس کو، چونکہ اگر وہاں بریک آ گیا تو اس کو بعد میں واپس آ کے یوروپ سے اس کو ریوائیو کرنا مشکل ہوگا. تو میں اگر لندن سے لے کے اور روم تک روز وقت کی پابندی کے ساتھ، حالانکہ 4.5 گھنٹے کا اور 3.5 گھنٹے کا زون، ٹائم زون کا ڈفرینس تھا جی، اس کے باوجود اگر میں کر پایا تو انہی کی وجہ سے کر پایا، ان کے تعاون اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے کر پایا. حنا صاحب، ایک اور سوال کہ شفیق صاحب کی طاقت کیا ہے اور ان کی کمزوری کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں آپ. کمزوری تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کمزوری ہے ان کی ایسی، یا کوئی چیز ان کی کمزوری ہے. طاقت ضرور کہہ سکتی ہوں جو سیلف کنٹرول ہے ہر چیز پہ، وہ ان کی طاقت ہے.